हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्वाकल्चर और ये पार्ट 3 है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहले हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होता है। इट इंक्लूड्स फिश फार्मिंग एज मेन एक्टिविटी। तो इसमें जो फिश फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी होगी, अलोंग विथ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड लाइफ स्टॉक एज अ सब्सिडियरी एक्टिविटी। और उसके साथ एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर लाइफ स्टॉक कल्चर, ये सारे हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होगी। इट प्रमोट्स कम्प्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अलोंग विथ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स। जो भी हमें रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका एकदम फुल्ली यूज़ होगा और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसे भी रिसाइकलिंग करके हम यूज़ करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फार्म इंटीग्रेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंटीग्रेशन सिस्टम इंक्लूड्स। तो डिफरेंट फार्म इंटीग्रेशन के बेसिस पर हमने इसे डिवाइड किया है। तो पहला है राइस फिश इंटीग्रेशन, हॉर्टिकल्चर फिश सिस्टम, मशरूम फिश सिस्टम या फिर सैरी फिश सिस्टम। तो हम ये सारे सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है राइस फिश इंटीग्रेटेड सिस्टम, फार्म इन पैडी फील्ड। तो जब हम पैडी के फील्ड में जब पूरा पानी भर देते हैं तो उस पानी में जब हम फिश को कल्चर करेंगे तो उसे राइस फिश इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलेंगे। नॉट ऑल पैडी वेराइटीज़ आर सूटेबल फॉर इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो सारी पैडी की वेराइटीज़ हुए हैं वो फिश फार्मिंग में यूज़ नहीं हो सकती। तो जो सूटेबल है फिश फार्मिंग के लिए वो है तुलसी, पनीधा, CR2 60 77 ADT 6 ADT 7, राजराजन एंड पताम्बी 15 एंड 16। तो ये सारी वेराइटीज़ है वो सूटेबल है फिश फार्मिंग के लिए। तो क्यों है? क्योंकि जो उसका रूट का सिस्टम है वो फ्लड कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है। कॉमन कार्प, टिलापिया एंड म्यूरल्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर कल्चर इन राइस फील्ड। तो ये सारी स्पीशीज़ है वो राइस फील्ड में कल्चर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और ये हम फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसमें राइस, ये राइस फील्ड है। और जब ये वाटर हम राइस फील्ड में डालते हैं तो इस वाटर में जो फिश का कल्चर होता है तो इसी को हम राइस फिश इंटीग्रेटेड कल्चर बोलेंगे। नाउ हॉर्टिकल्चर फिश सिस्टम। तो डाइक्स एंड द एडजॉइनिंग एरियाज आर यूज टॉप, इनर एंड आउटर डाइक्स फॉर ड्राफ्ट वेराइटीज कोकोनट, मैंगो एंड बनाना। तो जो टॉप, इनर और आउटर डाइक है उसे हम ड्राफ्ट वेराइटीज ऑफ कोकोनट, मैंगो और बनाना के लिए यूज करेंगे। एंड साइड बाई लैंड फॉर पाइनएप्पल, जिंजर एंड टर्मरिक एंड चिली। और जो साइड की लैंड है उसे हम पाइनएप्पल, जिंजर या फिर टर्मरिक और चिली के लिए यूज़ करेंगे। एक्सचेंजिंग वाटर यूज्ड टू वाटर द प्लांट्स ऑर्गेनिक लोड। तो जो हम वाटर एक्सचेंज करेंगे पॉन्ड में से तो उस वाटर को हम प्लांट्स में डालेंगे तो उसका जो ऑर्गेनिक लोड होगा वो सारा प्लांट को मिलेगा। तो ऐसे हम वाटर का वेस्ट है वो मिनिमम कर सकते हैं। द रेसिड्यूज फ्रॉम वेजिटेबल कल्टीवेटेड रिसाइकल इनटू फिश पॉन्ड्स व्हेन स्टॉक्ड विद फिशेस लाइक ग्रास कार्प। तो जो वेजिटेबल कल्चर का जो रेसिड्यूज, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे अगर हम फिश पॉन्ड में स्टॉक करेंगे, जब हम ग्रास कार्प जैसे स्पीशीज को डालेंगे तो ये हमारे फिश पॉन्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा यूज़ है। तो हम यहाँ फोटो में देख सकते हैं कि ये हमारा फिश पॉन्ड है और इसकी साइड्स पर है, यहाँ हमने बनाना को ग्रो किया है। तो और ये वाले डायग्राम में भी देखते हैं, ये हमारा फिश पॉन्ड है, यहाँ पे कुछ हमने बनानास के प्लांट्स डाले हैं, यहाँ कैबेज है, यहाँ पपैया ट्रीज है। तो इसी को हम, ये हॉर्टिकल्चर है और ये एक्वा कल्चर है। तो इन दोनों का जब हम एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे हॉर्टिकल्चर फिश इंटीग्रेशन बोलेंगे। नाउ मशरूम फिश सिस्टम।
Your cultivation of mushroom require high degree of humidity and therefore its cultivation along with aquaculture has a tremendous scope. तो मशरूम का कल्टिवेशन के लिए जो हमें रिक्वायर है वो है हाई डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी. तो हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो देनी होती है मशरूम को. तो इसके तो और एक्वा कल्चर में हम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, तो बस उसी वाटर की ह्यूमिडिटी अगर मशरूम के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी. इसीलिए मशरूम का जो कल्चर है वो एक्वा कल्चर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इसका. एगेरिकस बायस्पोरस वॉलोरिया स्पीशीज एंड प्लूरोटिया स्पीशीज आर कॉमनली कल्चर्ड मशरूम्स इन इंडिया. तो ये सारी स्पीशीज है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली स्पीशीज है जो इंडिया में कल्चर होती है. सैरी फिश कल्चर. तो इन दिस फार्मिंग सिस्टम सिल्क वॉर्म इज कल्टिवेटेड अलॉन्ग विथ फिश. तो सैरी मतलब सिल्क, तो सिल्क वॉर्म का कल्चर होगा फिश के साथ. हियर द मलबरी लीव्स प्रोड्यूस इज प्राइमरीली कंज्यूम बाय सिल्क वॉर्म एंड द फीकस ऑफ सिल्क वॉर्म इज डायरेक्टली अप्लाइड टू फिश पॉन्ड टू इंक्रीज नेचुरल फूड ऑर्गेनिज्म डेट्रिटस एंड बैक्टीरिया इन फिश पॉन्ड. तो जब सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को कंज्यूम करेंगी और फिर जो अपना फीकस प्रोड्यूस करेंगी, अगर वो फीकस हम फिश पॉन्ड में डालेंगे तो जो हमारा नेचुरल फूड है, नेचुरल प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज होगा. तो फिश जो हमारे फिश पॉन्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी है. नाउ लाइव स्टॉक. तो लाइव स्टॉक इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम इंक्लूड्स, पहला है कैटल फिश सिस्टम, पिग फिश सिस्टम, पोल्ट्री फिश सिस्टम, डक फिश सिस्टम, गोट फिश सिस्टम, रैबिट फिश सिस्टम. तो ये सारे सिस्टम लाइव स्टॉक के अंदर आएंगे. तो अब हम ये सारे सिस्टम को डिटेल में देखते हैं. तो पहला है कैटल फिश सिस्टम. काउ डंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन्योर इन फिश पॉन्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जो काउ डंग है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन्योर है फिश पॉन्ड में. A healthy cow excrete over 4,000 to 5,000 kg dung and 3,500 to 400 liter urines annually. So, जो healthy cow है वो usually अपना जो cow dung है वो 4 to 5,000 kg excrete करेगी और जो अपना urine है वो 3,500 to 4,000 liter produce करेगी. For 1 hectare ponds, 5 to 6 cows can provide adequate manure. तो 1 hectare pond के लिए हमें 5 to 6 cow चाहिए to produce adequate manure. तो ये जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 hectare के लिए हमें 5 to 6 cow use होगे. An additional income is generated from milk. That is 900 liter per year and fish production ranges from 3 to 4 kg fishes per hectare per year. तो इसमें जो ये कैटल फिश सिस्टम है इसमें हम फिश का तो हमें ऑलरेडी मिल ही रहा है, बट काऊ का भी हमें मिल्क जो जनरेट होगा उसका भी हमें इनकम मिलेगा. नाउ फिश पिग सिस्टम. तो 60 to 100 नंबर ऑफ पिग्स फॉर 1 hectare. तो 1 hectare के लिए हमें 60 to 100 पीक्स चाहिए. अ फ्लोर स्पेस ऑफ 3 to 4 meter square इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल पीक. तो एक पीक के लिए हमें 3 to 4 meter square की एरिया चाहिए. 5 ton ऑफ पीक मैन्योर इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्योरिंग 1 hectare फिश पॉन्ड फॉर 1 year. तो 1 hectare के लिए हमें 5 ton फिश का मैन्योर चाहिए फॉर 1 year. तो 1 year के लिए, तो 1 hectare में 1 year के लिए हमें 5 tons ऑफ पिग मैन्योर चाहिए. ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प इन रेशियो 1:2:1 आर सूटेबल फॉर इंटीग्रेटेड फार्मिंग विद पिग. तो ये ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प 1:2:1 के रेशियो में सूटेबल है फॉर कल्टिवेशन विद पिग. ये हमारा फोटो है, यहाँ पर ये पिग है और यहाँ पर हमारा फिश पॉन्ड है. नाउ चिकन फिश सिस्टम. तो 1 hectare फिश पॉन्ड रिक्वायर्स 25,000 चिक्स. सो इन 1 hectare फिश पॉन्ड
25,000 चिक्स कैन बी रेयर्ड। तो एक हेक्टर में 25,000 चिक्स है वो हम रेयर कर सकते हैं। चिकन ड्रॉपिंग्स आर रिच इन फॉस्फरस एंड नाइट्रोजन। तो चिकन का जो ड्रॉपिंग्स है यानी कि एक्सक्रीटा है वो फॉस्फरस और नाइट्रोजन से रिच है। तो वन चिकन प्रोड्यूस 25 kg पोल्ट्री मैन्योर पर ईयर। तो एक चिकन है वो 25 kg अपना मैन्योर प्रोड्यूस करेगी फॉर इन वन ईयर। पोल्ट्री शेड इज कंस्ट्रक्टेड अबव द पॉन्ड विद बैम्बू फ्लोरिंग टू फैसिलिट द डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड। तो जो पोल्ट्री का शेड है वो अपना पॉन्ड होगा उसके अबव कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो उसका फ्लोर होगा वो बैम्बू स्टिक से कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि जो पोल्ट्री में से जो वेस्ट मटीरियल आ रहा है वो अपना डायरेक्टली पॉन्ड पर जाकर गिरे ताकि डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो सके। ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पर ये सारे चिकन्स है हमारे, ये उसका शेड है और ये उसका फ्लोरिंग है। तो इसका फ्लोरिंग है वो बैम्बू स्टिक से, ये बैम्बू स्टिक है, ये बैम्बू स्टिक से बनेंगे ताकि जो भी उसका जो एक्सक्रीटा और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो डायरेक्टली हमारे पॉन्ड पर जाकर गिरेगा। नाउ डक फिश सिस्टम। तो द डक ड्रॉपिंग्स कंटेन 25% ऑर्गेनिक एंड 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस with a number of elements such as carbon, phosphorus, potassium, nitrogen, calcium, etc. तो जो डक का ड्रॉपिंग्स है वो 25% ऑर्गेनिक और 20% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है। फॉर वन हेक्टर ऑफ डक रिक्वायर्ड इज बिटवीन 100 and 3,000। तो एक हेक्टर के लिए हमें मिनिमम 100 to 3,000 डक्स रिक्वायर्ड है। तो डक्स प्रोवाइड्स अ सेफ एनवायरमेंट टू फिश बाय कंज्यूमिंग जुविनाइल फ्रॉग्स, टेडपोल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज इन पॉन्ड। तो जो डक है वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा फिश को, जो फ्रॉग के जुविनाइल्स है, टेडपोल्स या फिर ड्रैगन फ्लाई जो भी पॉन्ड पर होगा उसे कंज्यूम करके। ये हमारा डायग्राम है। तो यहाँ पर ये जो है ये डक का शेड है और ये हमारा पॉन्ड है। नाउ गोट रैबिट फिश सिस्टम। The small ruminants such as goats and sheep are integrated with fish culture is practiced but on a very small scale. तो जो goats और sheep का जो integrated culture है वो बहुत ही small scale में use हुआ है। Integrated rabbit fish farming is also practiced on only a very small scale. तो ये rabbit fish farming में बहुत ही ज़्यादा small scale में use हुआ है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा popular नहीं है। This system has अप टू नाउ नॉट रिसीव मच अटेंशन। तो ये सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला है इसलिए ये बहुत ही स्मॉल स्केल में प्रैक्टिस होता है। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर अवर टूडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर इंस्टाग्राम वेयर वी आर पोस्टिंग क्विजेस, नोट्स एंड मैनी मोर। टू फॉलो अस देयर एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल वेयर वी आर प्रोवाइडिंग अवर नोट्स इन PDF फॉर्म एंड ऑल्सो वी विल सून स्टार्ट अवर क्विज सेशन देयर ऑल्सो। सो गाइज डू जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर न्यू टू अस। वी विल बी पोस्टिंग मोर सच वीडियोज ऑन फिशरीज साइंस। So do subscribe us. Thank you so much. Happy learning.